अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिसंबर से मार्च महीने तक राशन कार्ड पर गेहूं और चावल के साथ दाल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल और आयोडाइज नमक भी फ्री में दिया जाएगा, जिसके संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर 1 किलोग्राम दाल, 1 लीटर रिफाइंड ऑयल और 1 किलोग्राम आयोडाइज नमक भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निफेड द्वारा नमक की आपूर्ति नहीं होने के कारण अभी कुछ दुकानों पर वितरण शुरू नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि नमक मिलते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, इस महीने से किस किस सामानों का वितरण होना है? देखिए, इसमें अभी जो है जो खाद्य सामग्रियां थी, गेहूं और चावल, इसके साथ साथ 3 अन्य सामग्रियां थी। 1 पैकेट नमक था 1 किलो का, 1 पैकेट रिफाइंड ऑयल था और चना का वितरण किया जाना था। तो ज़िले में 5ों चीज़ों को एक साथ वितरित किए जाने के निर्देश थे। तो अभी कुछ सामग्रियाँ ऐसी हैं जो नेफेड के द्वारा अभी पूरी तरह से आपूर्ति नहीं हो पाई है, तो उस सामग्री को कल तक जो है, अभी बात हुई है तो कल तक वो जिले में आ जाएंगी, तो उसका ससमय वितरण करा दिया जाएगा। तो कुछ जगह तो कुछ वितरण किए गए हैं इसके पहले? हाँ, तो जहाँ पर सारी सामग्रियाँ, 5ों सामग्रियाँ पहुँच गई हैं जिन जिन ब्लॉक्स में, वहाँ पर वितरण शुरू हो गया है। आज की डेट तक जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ज़िले में, वो 50% जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। लगभग 350 कार्डों पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। जहाँ जहाँ पर अभी जिन ब्लॉक्स में, जैसे गोरखपुर नगर क्षेत्र में लगभग 184 MT जो है नमक अभी रह गया है, तो अभी बात हुई है, वो इलाहाबाद से एक रैक आ रही है जो कल तक यहाँ पर सप्लाई कर देगी। उसके बाद जिन जिन क्षेत्रों में अभी रुका है वहाँ भी वितरण हो जाएगा। सर, जो तेल और चना और नमक मिल रहा है, तो किस हिसाब से उसको वितरण किया है? ये प्रति कार्ड 1 किलो नमक, 1 किलो चना और 1 किलो का तेल, ये सब पैकेट बंद है, तो ये प्रति कार्ड 1-1 किलो तीनों जगह दिया जाएगा, निःशुल्क है ये। अंत्योदय और गृहस्थी? हाँ, अंत्योदय और PHH पात्र गृहस्थी दोनों को ही दिया जाना है, और ये पूरी सामग्रियाँ निःशुल्क है शासन की तरफ से।